हेलो कौन? जी हाँ, हम हेलो कौन गाने की बात कर रहे हैं, जिसे रितेश पांडे ने गाया है। अगर आपने ये गाना नहीं सुना है तो जाइए यूट्यूब पे सर्च कीजिए और सुनिए, क्योंकि गाना बहुत बेहतरीन है। आइए बात कर लेते हैं गाने के बारे में। तो भाई, 3 दिन में इस गाने ने 14 मिलियंस व्यूज़ हासिल किए हैं, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी बात है। 3 दिन में किसी भी गाने को 1,40,00,000 लोग देखते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, वो भी भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए। आपको बता दें, रितेश पांडे का ये पहला गाना है जिसे इतने कम समय में इतनी बड़ी लोकप्रियता मिल रही है। इसके पहले भी रितेश ने कई गाने गाए हैं, पियवा से पहले हमार रह लूं, गोरी तोरी चुनरी, बलाल लाल रे, इन सब को लोकप्रियता मिली है। लेकिन इतनी कम समय में, यानी कि आप ये कह सकते हैं बहुत ही कम समय में बहुत ही बड़ा व्यूज़ इन गानों ने भी नहीं बनाया था, जैसे कि इस गाने ने बनाया है, हेलो कौन ने। और आप देखिए, गाना बहुत अच्छा है। गाना भोजपुरी में नहीं है, गाना हिंदी में है और अच्छा लग रहा है सुनने में, क्योंकि इस गाने में रितेश पांडे ने अपने आवाज़ को काफ़ी मॉडिफाई किया है, जो काफ़ी सुनने में भी बेहतरीन लगता है। एक पल को तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये रितेश पांडे गा रहे हैं। जैसे बदनाम कर देगी सॉन्ग अगर आपने सुना होगा, तो पवन ने काफ़ी अपनी आवाज़ को मॉडिफाई किया था, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर रितेश पांडे ने भी वही काम किया है और ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। अब बात कर लेते हैं कि भोजपुरी स्टार्स का क्या रिएक्शन है। तो भाई, खेसारी लाल यादव का तो रिएक्शन आ चुका है। खेसारी को बहुत अच्छा लग रहा है कि रितेश पांडे का ये गाना बहुत सुपरहिट हो रहा है। उन्होंने यहाँ ये भी कहा है कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी काम करता है और अच्छा काम करता है, सराहनीय है, तो उसे सभी को अप्रिसिएट करना चाहिए। और कोई भी एक लड़का जो इतनी मेहनत करके आगे बढ़ा है, तो उसकी मेहनत की सराहना कर। यहाँ पर खेसारी लाल यादव ने पूरी तरह से रितेश पांडे के गाने को सपोर्ट किया है और उन्हें शुभकामनाएँ दी हैं। अब देखना ये है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में और लोग, यानी कि और जितने सुपरस्टार हैं, अगर ये गाना सुनते हैं तो क्या कहते हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।